वेलकम टू क्रेजीनेस। अरे क्या बोलते वाला लोग, कसा गया आज? आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मैं तुम सबको दैट गोल्डन रूल ऑफ डेटिंग बताएगा। बस जैसा मैं कहूँ वैसा करना, मेरे पास प्लान है। 6 दिन लड़की इन, लौंडिया पटाने के अजब गजब तरीके बताएगा। तो फट दीजिए हेडफोन लगा लो और रफ्तार से चालू करते हैं अपन। मंगा हेडफोन लगा रहा। तो पहली, नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च में यह पता लगा है कि मानव का मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ पार्टनर ढूंढने में निकल जाता है। अगर आप किसी नर नारी मादा पशु पक्षी या शव के साथ संभोग करने में इच्छुक है तो मैं आपके साथ बस यही अपराध। तो मैं आपको ऐसे नुस्खे बताऊंगा जिसे अगर आप अपने जीवन में इस्तेमाल करोगे तो वह सब आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। नहीं, मैं एक्स डीओ लगाने की बात नहीं कर रहा हूं। आपको केवल सिर्फ ये 5 चीजें ध्यान में रखने हैं। पहला, ध्यान रखिए कि आप हमेशा अपने चूर चूर करने के 2 इंच नजदीक खड़े रहे, क्योंकि अगर वह छींक भी मारती है तो आप उनके अंदर प्रवेश कर जाओगे। दूसरा, हमेशा अपने पास चाकू रखिए ताकि जब भी आप संभोग करते हुए किसी के साथ पकड़े गए तो आप अपना काट के बोल सकते हो कि मेरे पास है ही नहीं। तीसरा, होते 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 सेक्स होता है। याद रखिए दोस्तों, स्टॉकिंग इज द की। जब भी आप अपने चूर चूर करना को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो हमेशा उसके आसपास घूमते रहिए, उसे स्टॉक करते रहिए और कभी ना कभी एक दिन आपको मौका मिलेगा कि जब वह अकेले रात में बीच सड़क पे आपको मिल जाएगी। तो जब भी ऐसा मौका मिले थूक लगाओ। और चौथी, आपने जरूर जरूर करनी है एक चीज, वो है कि लव जी। पांचवी और आखिरी बात, अगर आपका चूर चूर करना नहीं सहमत होता तो उसकी माँ। अब क्या मैट वैट हो गया क्या? सिद्धा माँ उसकी बहन। नमस्कार देवियों सज्जनों, मुझे बताया गया गोकुल साहब एक नया वीडियो बना रहे जिसमें आप सबको स्त्री को मोहित करने के नुस्खे चाहिए, तो मैं सोचा क्यों ना मैं कुछ बातें आप सब तक पहुंचा दूं। हाँ देखिए, मैं कोई लंबी लिस्ट लेकर के तो नहीं आया हूँ, बस मेरी एक गुजारिश है कि जब भी कोई लड़की आपको बोले ना तो उसका मतलब होता है हाँ। क्या हो रहा है आज, कौन कौन आ रहा है भाई? काम करो यार, काम करोगे तो पैसा आएगा तो गाड़ी आएगी तो लड़की आएगी, और लड़की आएगी तो एसटीडी तो आ ही जाएगी ना। डेटिंग की दुनिया के टॉप टिप्स। जी हाँ दोस्तों, मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियल कर रहा हूँ। मैं आपका बड़ा भाई गोकू प्रयागराज, आपको ऐसे टिप्स दूंगा जिसे अगर आप फॉलो करोगे तो लड़कियां आपको रेजिस्ट नहीं कर पाएगी। आपके अंदर से ऐसी वाइब्स निकलेगी जिसे देख के और जिसे महसूस करके लड़कियां आपकी तरफ खींची चली आएगी और फेमिनिस्ट लोग आपको भगवान मान लेंगे। टिप नंबर 1, आपको अच्छे कपड़े पहनने हैं, क्योंकि अगर दिखावा करोगे तभी तो लड़की आएगी। टिप नंबर 2, स्मेल गुड, डिओड्रेंट लगाओ ताकि पता लगे लड़की को कि दूर से चल के आप ही आ रहे हो। टिप नंबर 3, हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा लड़कियों के डिसीजन को सपोर्ट करो इवन इफ दे आर रॉन्ग, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी नीड देम। एंड टिप नंबर 4, टिप बरसाबानी बोल दो जरा, जाएगा पॉडकास्ट कर गांडू हत्ती। देखिए दोस्तों, ऐसी नेगेटिविटी से हमेशा दूर रहना चाहिए, दीज पीपल ब्रिंग यू डाउन, सो नेगेटिविटी इज अ नो नो। हो गया ना, चल निकल। गाइज, मेरी मेंटल हेल्थ बहुत मेस्ड अप हो गई है, अब मुझे हिमालय जाना पड़ा था 1 साल के लिए मेडिटेशन करने को। तू गया नहीं अब तक? अंटिल देन कीप स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी। तेरी मां, जा रहा हूं। तो कैसे हैं आप भाईचोद? मां बोल लूं कुछ? लड़की एक ऐसी बला है जिसे तुम सब लोग पाना तो चाहते हो लेकिन अफसोस नट करने में उलझ जाते हो। वरी नॉट, क्योंकि मैं ऐसे नुस्खे लेके आया हूं जिसे अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप कोई भी स्त्री को मोहित कर पाओगे। कोई भी स्त्री? कलास की करस, मोहल्ले की रूपा, इंडीड ट्यूशन टीचर की छोकरी, बहुत आगे जाओगे तुम। मामा की छोटी बेटी राजस्थानी है क्या? मम्मी की सहेली सविता भाभी, दादी माँ की, बस सब मतलब सब आ गए उसमें। हौशी साले। तो पहला नुस्खा, जे भी लड़की तुमको अच्छी लगी तो क्लास छोड़ दो, स्कूल बदल दो, शहर बदल दो, देश छोड़ दो, गो बैक टू पाकिस्तान भैनचोद। अच्छे से बताना वो क्या। अरे मेरे को पता होता तो मेरे पास।
अच्छा ठीक है, बताता हूँ। तो जब भी कोई लड़की तुमको पसंद है तो दूर से आंखों की गुस्ताखी माफ हो वाला गोंधड़ चालू करो। इसका मतलब है कि तुम उसके दिमाग में रजिस्टर हो गए ले हो। और नहीं, किसी भी लड़की का पहला थॉट ये नहीं होता कि कौन है ये क्रीप साला मादर जात मेरे तरफ देखता है हराम खोर। रुक, अभी फोन लगा दी महिला हेल्पलाइन को। अरे नहीं रे, कॉमेडी के चलते सबने ये एस्टेब्लिश कर दिया कि लड़कियां हराम जाती रहती है और जब तक कोई फायदा नहीं दिखता तब तक भाव नहीं देती। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है रे। गुलाबी के चक्कर में सिम हुए जा रहे लाउंडे। अरे नहीं रे, मैं कट्टर इक्वालिटी में मानता और उसे प्रैक्टिस भी करता। तुम लड़के हो और तुमने मेरे साथ बकचोदी की, कनपट। तुम लड़की हो और तुमने मेरे साथ बकचोदी की, कनपट। बाकी LGBTQA+ कम्युनिटी जो भी तुम्हारा है सॉर्ट आउट कर लो, तुमने भी कैसे बकचोदी की, कनपट। और गुलाबी का विषय ऐसा है कि आई डोंट लाइक गेटिंग फिजिकल। क्यों, क्या, कैसे, कब, फिर कभी। फिलहाल अपना फोकस इधर तुम लोग को अपनी क्रश पटाके देने का है, पटाके। चूतिया साला, दिस दिवाली पटाके फोड़ो मत, पटाओ। तो किधर थे अपन? आंखों की गुस्ताखी। ये तुमने आंखों से मटर गश्ती कर ली तब तुम उनको अप्रोच कर सकते हो आगे से, खुद से ऐसे, मतलब ऐसे इनिशिएट कर सकते हो। ये पहला स्टेप लड़का लड़की दोनों के लिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि तुम लड़की हो तो सीधा जाओगे लौंडे के पास में और जाके चिपक जाओगे। नहीं, तुम्हारी सेफ्टी और सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, क्योंकि दीदी ऐसा है, कितना भी सेल्फ डिफेंस सीख लो लौंडे के हाथ से कनपट पड़ेगा। तो डिस्टेंस। अब आंखों आंखों में जब बात हो ही गई है तो हाथ उठाओ और बोलो जय श्री, हाय। फिर आगे से रिस्पॉन्स आएगा, हाय, हेलो, हट मादरचोद, जिससे आगे बढ़ने का संदेश मिलेगा। फिर जाओ उनके पास, नाम वाम बोलो, पूछो क्या हालचाल, कैसा क्या है, मेरी वीडियो दिखाओ थोड़ी सी, इन शॉर्ट बकचोदी करो। और फिर ऐसे कुछ 2-3-4-5 मिनट के बाद जब वाइब मैच होने लग जाए, भग जाओ वहां से, बोलो कि मेरे को कुछ काम है, मैं चला आता, मिलते तुमसे फिर कभी। और ऐसा क्यों? अमा यार तुम आम खाओ यार, गुठलियां मत गिनो। फिर अगले दिन टहलते टहलते मिलो उसको कोइंसिडेंटली। फिर आगे वाले के नेचर पे है कि वो हाथ उठा के तुमको बुलाती है या फिर आंखों की गांड मस्ती करती है या फिर डायरेक्ट इग्नोरेज कर डालती है। लेकिन द मोमेंट तुम्हारी आंखें मिली, डायरेक्ट जोर से हाथ उठा के बोलो हाय और जाओ उसके पास और करो बकचोदी। लास्ट नाइट अच्छा यहाँ कैसे अच्छा अच्छा कॉफी सीधा डायरेक्ट, क्योंकि जितना मामला तुम लोग खींचोगे उतना चिकट होते जाएगा। गोकु सर तुमको इतना पता है तो तुमने क्यों नहीं, चुप, बिल्कुल चुप। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का मस्त से, क्योंकि ऐसा है कि बहुत सारे लोगों ने ट्राई कर लिया होता है और अब हम सब बोर हो गए साला ये स्टार्टिंग के फेज से कि हाय हेलो ऐसा वैसा, फिर थोड़ा सा शर्माएंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर जाके बात जाएंगी कॉफी पे, फिर चालू होगा। अरे नहीं रे, कहाँ जा रहे तुम, डायरेक्ट पूछो ना, अपना इंटेंशन रखो उसके सामने और चलने दो मामला मध्यम मध्यम, और आगे का तुम कन्वर्ट कर ही लोगे। अरे भरोसा रखो खुद पे। काश अपने खुद पर भरोसा रखा होता। मार खाने का ये तेरे को। और इम्पोर्टेंट बात, जब भी किसी को अप्रोच कर रहे हो तो संभोग के बारे में मत सोचो, सोचो कि ओहो नया इंसान, हार्ड, यानी कि नए इंसान के साथ वार्तालाप करेंगे, मजा आएगा। फिर क्या, अगर जम गया विषय तो तुम्हारा इस माहौल मस्त है, इंस्टाग्राम पे कपल वाली रील्स से बुलेट पे डबल सीट के बदले ऐसे सिंगल सीट के कबीर स्टाइल के जैसे उसको आगे बिठा के मस्त भाई की जो भी है धिंगाना करने का। और क्या रहता हो इंस्टा के बायो पे किंग एंड क्वीन और दोस्तों के फ्लैट पे दिन रात चकरा मारना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने का। रिस्पेक्ट करो यार उस रिश्ते की, असली जिंदगी है ये, मूवी नहीं चल रही यहाँ पर। वैसे फ्रेंकली स्पीकिंग तुम लोग को जरूरत नहीं है किसी पार्टनर की, क्योंकि यू आर परफेक्ट द वे यू ऑल आर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हरामजादे और हरामजादगी करोगे, इस मतलब तुम परफेक्ट हरामजादगी करो, कनपट खाओ और सुधार करो। लड़का लड़की नर मादा पशु पक्षी शव के चक्कर मतलब मौत से टक्कर, तो खुद पे काम करो और भगवान बन जाओ। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आप सबको मजा आएगा वीडियो देख के। जो वीडियो देख के मजा आया होगा तो अपने 3-4 हजार दोस्तों को भी बताओ ताकि उनको भी पता लगे कि लड़कियां कैसे पटाते, और शेयर करो इस वीडियो को, ऐसे पूरे इंटरनेट पे फैला डालो, सबको मालूम लगने को होना कि बाप आ गया है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।
रे 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 रे